हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट कॉटेज में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार चुनाव के बारे में और बिहार चुनाव से जुड़े अपराध के बारे में। कैसे अपराधी नेता बनकर अपराध करते हैं और बिहार की मासूम जनता को धोखा देकर अपनी मनमानी करते हैं। इस वीडियो में बिहार चुनाव के इतिहास से लेकर वर्तमान तक की आपराधिक गतिविधियों पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि आप बिहार चुनाव और अपराध के संबंध को जान सकें। बिहार की राजनीतिक पार्टियां प्रारंभ से ही आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को अपना उम्मीदवार बताती रही है। बिहार अपने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की तरह राजनीति में आपराधिक छवि वाले लोगों को अपना उम्मीदवार बनाता रहा है। पहले आपराधी के सपोर्ट से नेता अपनी नेतागिरी चलाते थे और विधायक बनकर मंत्री पद को प्राप्त करते थे, किंतु बाद में स्थिति और सोच बदलने लगी। अपराधी खुद नेता बनने लगे और धीरे धीरे मंत्री पद तक पहुंचने लगे। बिहार में जाति धर्म इत्यादि पहलू अपराधियों को चुनाव जिताने में काफी मददगार साबित हुई। अपने धन और बाहुबल के आधार पर आपराधिक छवि वाले नेता सरकार बनाने और गिराने में अपनी अच्छी खासी भूमिका निभाने लगे। शायद यही वजह रहा कि सभी पार्टियों ने ऐसे आपराधिक छवि वाले लोगों को अपना समर्थन दिया। 80 के दशक में बिहार की राजनीति में वीरेंद्र सिंह एवं काली पांडे जैसे बाहुबलियों का प्रवेश हुआ, जो 90 के दशक के अंत तक अपने चरण सीमा पर पहुंच गया। फलतः स्थिति यह हो गई कि प्रभुनाथ सिंह, सूरजमान सिंह, पप्पू यादव, शहाबुद्दीन, रामा सिंह और आनंद मोहन लोकसभा में पहुंचने में कामयाब हो गए, तो अनंत सिंह, सुरेंद्र यादव, राजन तिवारी, अमरेंद्र पांडे, सुनील पांडे, धूमल सिंह, रणवीर सिंह, मुन्ना शुक्ला आदि विधायक और विधान पार्षद बनकर बिहार की राजनीति में अपनी पैठ बना ली। और यह वह दौर था जब बिहार के चुनाव में रक्त रंजित हुआ करता था। फिर 2005 में नीतीश कुमार की सरकार बनी और स्थिति में सुधार होने लगा। 2006 में नीतीश कुमार ने पुराने आपराधिक मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया और इसी के साथ ही कई दबंग अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए और चुनाव लड़ने के योग्य ही नहीं रहे। 2005 में लालू यादव राज का अंत हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि बिहार की राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों का खात्मा हो गया। इसके बाद भी अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को टिकट दिया। शायद ही कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र हो जहां से कोई दबंग नेता या उसके रिश्तेदार चुनाव में खड़े ना हो। बड़े बड़े गुंडों एवं दबंगों को अपनी पार्टी से टिकट देना मानो हर पार्टी का शौक हो गया हो। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार 2010 विधानसभा चुनाव में 358 प्रत्याशी चुनाव के मैदान में थे, जिसमें से 986 अपराधी थे। वहीं 2015 के चुनाव में 3450 प्रत्याशी चुनाव के मैदान में थे, जिसमें से 1038 यानी 30% प्रत्याशी अपराधी थे। इनमें से 796 यानी 23% के खिलाफ हत्या के प्रयास, अपहरण और महिला उत्पीड़न जैसे गंभीर मामले दर्ज थे। 2015 के चुनाव में जदयू ने 41, राजद ने 29, भाजपा ने 39, कांग्रेस ने 41 अपराधियों को टिकट दिया था। यही कारण है कि 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में से 138 यानी 57% विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे। इनमें से 95 के खिलाफ तो काफी गंभीर मामले थे। दल के आधार पर देखे तो जदयू को 37, आरजेडी को 46, बीजेपी को 34, कांग्रेस को 16, सीपीआई को 3, लोजपा को 1 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। 1993 में बोहरा कमेटी की रिपोर्ट तथा 2002 में बने राष्ट्रीय आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि देश की राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों की संख्या बढ़ रही है, जिसे नियंत्रण करना नितांत आवश्यक है। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऐतिहासिक फैसले में यह कहा था कि संसद राज्य की विधानसभाओं या नगर निगमों के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को अपनी शैक्षणिक, वित्तीय और आपराधिक पृष्ठभूमि की घोषणा करनी होगी। जबकि 2005 में सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि सांसद या विधायक को अदालत द्वारा दोषी पाए जाने पर चुनाव लड़ने के अयोग्य माना जाएगा, उसे 2 वर्ष से कम की सजा नहीं दी जाएगी। अब नजर डालते हैं 2020 यानी वर्तमान बिहार विधानसभा के चुनाव पर। 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव जल्द ही शुरू होने वाला है। 28 अक्टूबर को प्रथम चरण का चुनाव है, 3 नवंबर और 7 नवंबर को क्रमशः द्वितीय और तृतीय चरण का चुनाव है। लेकिन यह चुनाव भी लोकतंत्र पर धब्बा साबित होने वाला है। अच्छी और सच्ची सरकार बनाने वाले करोड़ों लोगों को काफी आघात पहुंचने वाला है। बिहार में सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव में अपने ओर से बाहुबली और धन कुंवरों को अपना प्रत्याशी बनाया है।
छह प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के पहले चरण के कुल उम्मीदवारों में करीब 55% अपराधी और 75% करोड़पति है। पहले चरण के 1064 उम्मीदवारों में मोकामा से राजद उम्मीदवार अनंत सिंह सबसे अमीर प्रत्याशी है, जिनके पास लगभग 68 करोड़ की संपत्ति है। कांग्रेस के गजानन शर्मा के पास लगभग 61 करोड़ की संपत्ति है। वहीं जदयू की मनोरमा देवी के पास लगभग 50 करोड़ की संपत्ति है। 71 में से 61 सीटों पर 3 से अधिक उम्मीदवार आपराधिक छवि के हैं। पहले चरण में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना की गई है। प्रथम चरण में 71 सीटों के लिए जो चुनाव हो रहे हैं उन पर 1064 उम्मीदवार में से अधिकांश करोड़पति है। राजद से 29, जदयू से 31, बीजेपी से 24, कांग्रेस से 14, लोजपा से 30 करोड़पतियों को टिकट दिया गया है। चुनाव आयोग ने कोर्ट के आदेश पर सभी राजनीतिक दलों को पत्र लिखा है, लेकिन कोई भी दल इसका पालन नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले उम्मीदवार का ब्यौरा पार्टी को देना था, जिसकी सही तरह से पालन नहीं किया जा रहा है। दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव में भी यही कारनामा जोरों से दोहराया जा रहा है। लोकतंत्र मजाक बनकर शर्मिंदा हो रहा है। फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुसार सभी दलों को यह बताना होगा कि अपराधी नेताओं को पार्टी ने प्रत्याशी क्यों बनाया। वहीं उम्मीदवारों को अपने संपूर्ण आपराधिक इतिहास की जानकारी पार्टी प्रत्याशी घोषित होने के 48 घंटे के अंदर स्थानीय एवं राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाना होगा। 72 घंटे के अंदर सभी जानकारी चुनाव आयोग में जमा करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार में 2020 का विधानसभा चुनाव हो रहा है। चुनाव आयोग ने भी अदालत के आदेश के संबंध में राज्य की सभी रजिस्टर्ड पार्टियों को पत्र भेजकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है। किसी भी लोकतंत्र की ताकत वहां की जनता होती है। जनता भी अगर स्वच्छ छवि वाले नेता के बारे में बात करे तो अपराधी प्रवृत्ति वाले लोग स्वतः समाप्त हो जाएंगे। राजनीतिक दलों को भी अपने आप में सुधार करने की जरूरत है, लेकिन बिहार जैसे गरीब और अशिक्षित राज्य में ऐसा नहीं लगता है कि चुनाव में अपराधीकरण पूर्णतः समाप्त हो पाएगा। जात पात को मानने वाला का यहाँ बोलबाला है। धन का प्रयोग भी चुनाव में बड़े स्तर से होता है, जो बिहार चुनाव और भारत के लोकतंत्र को काफी प्रभावित करता है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कैसे बिहार चुनाव में शुरू से लेकर अभी तक आपराधिक गतिविधियों को काफी तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है, जो बिहार और बिहार वासियों के हित में सही नहीं है। वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सबको इसके बारे में बताएं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें और जुड़े रहें हमारे साथ ऐसे ही कुछ नई जानकारियां प्राप्त करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।